नमस्कार, मैं हूं रौनक। आज है इंडिया जिम्बाब्वे का तीसरा मैच, जो हम जीत ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आज क्रिको पर हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा किस्सा जिसमें दो राय हो सकती है, और वो किस्सा है एक टाइम पर टीम इंडिया का ब्रायन लारा बनते बनते रह जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त विनोद कांबली की कहानी। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि सिर्फ टैलेंट होने से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है लगातार अपने टैलेंट पर काम करने से और फोकस रखने से, जो सचिन तेंदुलकर ने तो किया मगर शायद कांबली से नहीं हो पाया। दो दोस्त जिन्होंने एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, दो दोस्त जिन्हें एक ही कोच ने कोचिंग दी, और दो दोस्त जिनके नाम स्कूल क्रिकेट में रिकॉर्ड 664 रनों की पार्टनरशिप थी। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त के करियर का जहाज हवाई जहाज हो गया और दूसरे का शिप टाइटैनिक। जी हां, विनोद कांबली का ये रोता हुआ चेहरा भारतीय क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, कोलकाता में श्रीलंका से टीम इंडिया हारी नहीं मगर बेइज्जत हुई, और कांबली की ये रोती हुई तस्वीर उनके लाइफ का हिस्सा बन गई। उस कांबली के लाइफ का जिसे 3 साल पीछे रिवाइंड करने पर अलग ही बल्लेबाज नजर आता है। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अब तक कांबली एक लौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बैक टू बैक टेस्ट में 2 डबल सेंचुरी जमाई, एक इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में और अगला जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली में। उस समय के क्रिकेट एक्सपर्ट्स कांबली को सचिन से बेहतर स्ट्रोक प्लेयर बुलाते थे। 1993 में 2 डबल हंड्रेड के बाद कांबली ने श्रीलंका दौरे पर भी 2 बैक टू बैक शतक जमाया, और अब कांबली भारतीय टीम में सचिन के साथ मिडिल ऑर्डर के मुख्य बल्लेबाज बन गए। टेस्ट क्रिकेट में कांबली के आंकड़े देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत में उनसे ज्यादा बैटिंग एवरेज किसी भी बल्लेबाज का है। इस लिस्ट में सचिन, गावस्कर, कोहली, द्रविड़ सब इनसे पीछे हैं। कांबली ने 17 मैचों में 54.2 की एवरेज से रन बनाए। कांबली के बाद नंबर आता है सचिन का, जिनका एवरेज 53.78 रहा है। तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल द्रविड़, चौथे पर सुनील गावस्कर और पांचवें पर किंग कोहली। तो आखिर हुआ क्या कि कांबली आज ऐसे कठिन हालातों में घिर चुके हैं। दरअसल अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत करने वाले कांबली पर हमेशा ये इल्जाम लगा है कि वो एरोगेंट थे और उनके सिर पर उनका प्रदर्शन चढ़ चुका था। कई बार तो कैप्टन और कोच से भी उनकी तूतू मैं मीडिया के जरिए बाहर आई। इसके अलावा लोग ये भी कहते थे कि शायद उन्हें शराब पीने की आदत ने जकड़ रखा था, जिसकी वजह से टीम के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। लोगों की माने तो उनके नेगेटिव रवैये के चलते कांबली समय समय पर टीम से ड्रॉप होते रहे, और साल 2000 आते आते कांबली टीम की रडार से एकदम ही बाहर हो गए। आज लगभग 20 साल बाद विनोद कांबली की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट से जुड़ा काम ढूंढ रहे हैं और बहुत ही खराब हालातों में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कांबली ने बीसीसीआई को थैंक यू बोलते हुए कहा कि इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें महीने के 30,000 रुपए पेंशन तो मिलती है, जिसके लिए वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार है, मगर इतने पैसे में उनका परिवार नहीं चल पा रहा है और वो क्रिकेट से जुड़ा कोई और असाइनमेंट करने को भी तैयार है। कांबली ने कहा वो युवा खिलाड़ियों की मदद करना चाहते हैं और अपने खेल के एक्सपीरियंस को उनके साथ बांटना चाहते हैं, और इसी संदर्भ में उन्होंने मुंबई क्रिकेट के कोच को भी कई बार अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताया, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो हर किसी का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन कोई अभी तक सामने नहीं आया। अरे खोलो भाई। कांबली के मुताबिक उनके बचपन के दोस्त सचिन को उनकी हालत की जानकारी तो है लेकिन वो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। कांबली ने साल 2000 में आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला था, जिसके बाद वो कई प्रोफेशन में हाथ जमा चुके हैं लेकिन सफलता उन्हें कहीं नहीं मिली। बॉलीवुड में भी कांबली ने अपनी किस्मत आजमाई और कुछ फिल्मों में नजर भी आए, लेकिन इसके बाद वो क्रिकेट में लौट कर आए और आखिरी बार 2019 में मुंबई T20 लीग में एक टीम को कोचिंग भी दी, मगर वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कांबली एक टाइम पर अपने लुक और स्टाइल के लिए काफी मशहूर थे। आज न तो कांबली के गले में गोल्ड चेन है और न ही हाथ में ब्रेसलेट और घड़ी। जिस खिलाड़ी को माना गया था कि वो क्रिकेट की दुनिया में राज करने का दम रखता है, उनके क्रिकेट का करियर ऐसे खत्म होगा वो किसी ने भी नहीं सोचा था। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना फोकस खेल से हटाया और ग्लैमर के पीछे भागने की गलती का एहसास शायद आज उन्हें हो रहा होगा, लेकिन उनकी ये हालत यंग क्रिकेटर्स, या फिर ये कहें कि हर प्रोफेशन में काम कर रहे यंगस्टर्स के लिए एक सीख है। विनोद कांबली की लाइफ कई उतार चढ़ाव से भरी हुई है और हम सब यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जल्द से जल्द बेहतर हो। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।